हेलो एवरी वन आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड ट्रिंग हाइड्रेटेड तो आई बी पी एस पी ओ का जो एग्ज़ाम है मीनस ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जनवरी को आ गया है अभी हमारे पास लास्ट फिफ्टीन डेज़ हैं तो हमें कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं कितने मॉक टेस्ट देने हैं कहाँ से क्या प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए तो मैं मेरा बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ तो उस हिसाब से आप अपना भी मॉडिफाई कर सकते हो कि आपने क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है या फिर क्या चीज़ आप एक्स्ट्रा करो उसको आप हटा भी सकते हो स्किप भी कर सकते हो तो पहला सेक्शन है रीजनिंग का तो देखो तो तो रीजनिंग में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मिसिलेस वाले बी आर प्लस अरेंजमेंट जो उस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वही आपने प्रैक्टिस करने हैं कोडेड uh, डिरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कोडेड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं रिवर्स सिलॉक्स एस बी आई पी और में भी आए थे दो क्वेश्चन इसके और मशीन इनपुट आउटपुट के आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में क्लिक हुआ तो हुआ नहीं तो आपको ये स्किप ही करना पड़ता है तो so, एटलीस्ट आपके माइंड में कुछ कुछ नए पैटर्न्स बने रहेंगे तो इसलिए आप प्रैक्टिस तो इनकी करी लो ये हो गया हमारा हो गया है मिसलेनिस वाला पोर्शन एंड देन आ जाते हैं हम पजल पे पजल की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है यार देखो ये आपको मॉक से ही करनी है क्योंकि मॉक में अच्छे लेवल की पजल्स होती हैं अब आप पी डी एफ वगैरह से करोगे तो वो इतना मतलब आपको अच्छा बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना मॉक क्योंकि मॉक में अपडेट होता रहता है एंड फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट तो क्रिटिकल रीजनिंग अगेन आपको मॉक से करना है आप अलग से कुछ भी मत करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख सकते हैं अदरवाइज़ मॉक से दो उससे आपको पता चलेगा कि कितने वो सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो फिर क्रिटिकल रीजनिंग को आप एग्जाम में छोड़ देना उसको मत करना नेगेटिव uh, करने से कोई मतलब नहीं है हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो रीजनिंग हमारा इतना हो गया एंड uh, अब आते हैं जीए पे जीए का सेक्शन अगेन लास्ट फोर मंथ लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ आई बी पी एस में जो जी आई थी वो कंपेरेटिवली ईजियर साइड पे थी अब uh, इतना टफ नहीं था जितने बाकी पेपर्स में जीए टफ़ थी तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लास्ट फोर मंथ को तो करना ही है जिनका एस बी आई पी था तो उन्होंने तो पढ़ ही रखा है ऑलरेडी बट जिनका अब आई बी पी है तो उनको और अच्छे से रिवाइज़ करना है और एस बी वालों को ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो ओवर कॉन्फिडेंस में आना है कि हमें तो सब आता है नहीं आपने भी फिर से रिवीजन चालू करना है एंड जनवरी के टू वीक्स आपको ऑन कर लेना है अपने पूरे मटेरियल में और इन्हीं को रिवाइज़ करना है जितना आप रिवाइज कर सकते हो उतना ठीक है सोर्सेज काफ़ी लोग पूछते हैं कि सोर्सेज तो सोर्सेज मैंने इसमें लिख दिए हैं देखो अफेयर्स क्राउड का क्यू एन ए वाला क्योंकि टाइम कम है का जो मंथली या फिर वो जो वीकली वाला आता है कंटेंट उसको छोड़ दो इतना नहीं आप कर सकते हो उससे अच्छा है कि आप क्यू एन ए करो काफ़ी कुछ उसमें फैक्ट्स वगैरह कवर हो जाते हैं दैन uh, अंडा का कैप्सूल आप जो आया हुआ था एस बी में आया था आई थिंक तो आप उसको एक बार रिविजन के लिए मैं बता रही हूँ उसको ले सकते हो स्टडी आई क्योंकि जो 300 आते हैं वो या फिर ओ uh, भी बोल्ट इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है बस एंड देन वो वीडियोज़ फॉर रिविज़न पर्पज मतलब uh, जो भी आप वीडियोज़ मिल जाएंगी इस तरीके की आप ये कर सकते हो एंड जी हमें इससे ज़्यादा आपने कुछ डीप uh, में मत जाना क्योंकि लास्ट ईयर तो डीप में नहीं आया था बट स्टिल फॉर अ सेफर साइड आप एक बार फैक्ट्स उसके करते हुए जाना कि अगर उसमें फैक्ट्स हो तो एक बार आप पढ़ लेना उसको स्किप मत करना ताकि जब वहाँ पर ऑप्शन आए तो आपके दिमाग में एटलीस्ट वो क्लिक तो हो जाए कि हाँ शायद ये हो सकता है इस तरीके से नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश का तो इंग्लिश को भी अगेन हमें सेक्शनल टेस्ट देने हैं और क्विजेस प्रैक्टिस मॉक पे आपको क्विज मिल जाएंगे सेक्शनल अलग से दिया होता है पूरा तो वो आपको करने आर आरसी जो है मॉक्स उठाने मॉक एक मॉक में आपको लगभग टू टू थ्री आर मिल जाएंगे तो फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ आपको वो मिलेगा और अगर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो तो आपको वहाँ पर जो मॉक का एनालिसिस करना है या आपने ऑलरेडी मॉक्स दे रखे हैं तो आपने वहाँ पर जो रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं वो चेक करना है कि उसमें क्या गलती आपने की थी तो एटलीस्ट आपके माइंड में वो गलतियाँ फिर से रिकॉल हो जाएंगी कि आपने क्या मिस्टेक की थी और इसी में मैं अभी आप प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक जो है मेंस वाला वो भी दीजिएगा और वो शेयर करिएगा कि आपके कितना स्कोर बन रहा है उसमें एंड बताइएगा तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको प्रैक्टिस मॉक का फ्री वाला मॉक मिल जाएगा तो आप वो भी कर सकते हो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस लिंक से आप आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो फ्री है तो देकर और अपना स्कोर जरूर शेयर करना है आपको कॉमेंट सेक्शन में एंड देन क्वांट में आ जाते हैं तो क्वांट में देखो अगेन uh, अगर आपने बुक्स पढ़ रखी हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने पढ़ रखा होता है तो अरुण शर्मा या सर्वेश वर्मा से जिससे भी आप, आपने कवर कर रखा है तो आपने उसी में से रिवाइज करना है लेवल टू uh, को रिवाइज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं बड़े बड़े आते हैं तो हम भूल ही जाते हैं जब हम फोर्थ लाइन पर आते हैं कि उन्होंने पूछा क्या था एंड मॉक टेस्ट अगेन मॉक्स में जो डी और डेटा uh, सफिशियंसी के क्वेश्चन होते हैं वो आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि डी ही आने वाली है पेपर में और वो भी अच्छी खासी आती है बड़ी बड़ी आती है तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी तो आपने ये करना है एंड देन वीडियो आपको आप तो आप हर्षिल सर का, वाला है। वीडियो का जो प्ले लिस्ट है आप वो देख सकते हो तो ये आपका रिविजन पर्पज के लिए आपका ये हो जाएगा एंड देन अगेन आपको मॉक देना है मॉक में से ही आपको सब चीज़ करनी है तो अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक देना है या फिर आप थ्री डेज में एक आपको मॉक देना एनालिसिस करो या फिर सेक्शनल एटलीस्ट सेक्शनल तो देकर ही जाओ एंड डिस्क्रिप्टिव uh, में आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में जो लास्ट ईयर था मैं वो पैटर्न बता देती हूँ लास्ट ईयर वन फिफ्टी वर्ड्स का लेटर था एंड टू हंड्रेड वर्ड्स का ऐसे था यही आपको प्रैक्टिस करना है लेटर का फॉर्मेट आपको आप यूट्यूब uh, पे टाइप करोगे गूगल पे टाइप करोगे मिल ही जाएगा तो आपने वो लेटर का फॉर्मेट याद करके जाना है और मेन uh, मेन जो कॉन्टेंट होता है वो तो वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको लिखना होता है बस और टाइपिंग एरर uh, नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकल एरर आपकी नहीं होनी चाहिए बस इतना ही होता है ऐसे में मेजर मेजर जो uh, टॉपिक्स हैं एस बी आई पी ओ के आपने टॉपिक्स सीखे होंगे उस तरीके के टॉपिक एक बार आप पढ़ कर जाना तो कॉन्टेंट आपको वहीं पर याद आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है बस इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है एंड मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉमेंट कॉलम पर मिल जाएगा तो आप सीधे आप उस पर जाकर फ्री मॉक दे सकते हो नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट सेक्शनल मॉक आप जरूर देना तो उससे आपको एक टाइम प्रेशर जो है वो फेस करने की आदत हो जाएगी जस्ट एंड जस्ट की प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यूर